जिला शिमला कृषि व उद्योग कमेटी की बैठक जिला शिमला अध्यक्ष कौशल मुंगटा की अध्यक्षता में आज शिमला में संपन्न हुई, जिसमें जिले के कृषि बागवानी पशुपालन मत्स्य विभाग भू संरक्षण विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में बागवानी कृषि व उद्योग से जुड़ी योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने व सही कार्यान्वयन करने हेतु विशेष चर्चा हुई। कौशल मुंगटा का कहना है, हिमाचल में बहुत सारे बड़े बागवान ऐसे हैं जिन्हें किसी प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, उन्हें पूरी जानकारी है, लेकिन मध्यम बागवान जो है जो उन्हें सुविधाओं का अभाव होता है, सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है उन्हें उसकी जानकारी नहीं मिल पाती और साथ साथ सत्यानंद स्टॉक्स का 16 अगस्त को जन्म दिवस होता है, 8 को बागवानी दिवस, तो ये 8 से 16 तक का पूरा हफ्ता बागवानी मेला लगना चाहिए जिसमें सारे प्रोग्रेसिव बागवान अपना तरीका साझा कर सके। शिमला की जो हमारी कृषि और उद्योग जो स्थायी समिति है उसकी अध्यक्षता मेरी अध्यक्षता में मीटिंग हुई। आज मैंने जितने भी मेरे अंदर जो विभाग आते हैं, चाहे हमारा फिशरीज़ है, एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है और हमारा भू संरक्षण विभाग है, उनके सभी अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के सभी अधिकारी जो मीटिंग में शामिल हुए थे। इसमें मैंने देखा कि जो कमेटीज़ बनी हुई है ये सक्रिय नहीं रहती है इतनी, मैंने इनको सक्रिय करने का काम किया है। जितनी भी हमारी गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स है, हमारी सेंटर फंडेड स्कीम्स है, चाहे स्टेट फंडेड स्कीम्स है, वो किस प्रकार से आखिरी गांव तक आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रही है, उस बारे में मैंने जो हमारे अधिकारियों से बातचीत की है और कैसे स्कीमों को जो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा जाए इस बारे में बातचीत की है। दूसरा, हमारा जो कृषि और बागवानी बहुल्य हमारा जिला है, जिला शिमला है, यहाँ पर तो बहुत ही सक्रियता के साथ जो हमारा विभाग काम करे, लेकिन देखने में ये आता है कि हमारा बागवानी विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री उस प्रकार से ग्राउंड जीरो तक ही काम नहीं करते क्योंकि तालमेल नहीं है पंचायती राज और हमारे अधिकारियों का। मैंने कहा कि जितने भी कैंप्स आपके माध्यम से लगते, चाहे हॉर्टिकल्चर कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करवाता है, आप जो है पंचायत जो प्रतिनिधि है उनके संपर्क में रह करके बड़े स्तर पर इसको कर सकता कि लोगों तक पहुंचे ये चीज़ें, है ना। आज हम देख रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े बागवान हैं जो बड़े बड़े तरीके के, उनको कोई नॉलेज की दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो मझले किस्म का बागवान है उसको उसके लिए स्कीमें हैं, अनेकों स्कीमें सरकार चलाती है पर उस तक पहुंचती नहीं है। तो इसी को लेकर के मैंने एक्टिव करने का इस संस्था को काम किया है और 2-3 प्रस्ताव भी मैंने अपने इस सदन में लाए जो कि हाउस में जाएंगे, जिसमें आज कमेटी में एक तो प्रस्ताव ये रखेंगी, एक हमारी सॉइल टेस्टिंग बेंच रहती है वो जाए गांव-गांव में, उसको एक्टिव करने का काम करेंगे, इसको लेकर के भी मैंने आज प्रस्ताव रखा है। दूसरा, हमारे सत्यानंद स्टॉक्स जी थे जिनको लेकर के पीछे हमारे एक सम्मानित सदस्य है, उन्होंने पद्म विभूषण देने की बात उनको की है, तो वो तो चलो अलग बात है, लेकिन मैंने कहा है कि जो हमारा 8 अगस्त को इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर डे होता है और 16 अगस्त को हमारे जो है सत्यानंद स्टॉक्स जी का जन्मदिन होता है, मैंने कहा अगर आप 8 से 16 अगस्त, क्योंकि उस वक्त पीक पर हमारा जो सीजन होता है, अगर तब नहीं मना सकते, लेकिन एक सप्ताह हमको प्रदेश के अंदर साल में, क्योंकि हम बागवानी बहुल क्षेत्र है, एक सप्ताह हमको बागवानी की दृष्टि से देखना, जहां पर की बागवानी मेला लगना चाहिए, बागवानी मेला जिसमें हिंदुस्तान के टॉप जो हमारे आपके जो प्रोग्रेसिव जो बागवान है, जिन्होंने नई तकनीक को अपने आप को ढाला है, जिन्होंने नई तकनीक का आदान प्रदान करना है, उनको बुला करके एक राज्य स्तरीय एक बड़ा मेला लगना चाहिए, यह सुझाव मैंने दिया है, प्रस्ताव रखा है।